आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन ने विश्वास मत किया हासिल, समर्थन में पड़े 45 वोट। हेमंत कैबिनेट में शामिल होकर चंपई सोरेन ने सभी को चौंकाया, दो नए चेहरे समेत 11 मंत्रियों ने ली शपथ। नेता प्रतिपक्ष अमर भाउरी ने हेमंत सोरेन को दी मुबारकबाद, बोले बेहतर होता कि सरकार पूरी कैबिनेट के साथ सदन में बैठती। फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद राजेश ठाकुर का विपक्ष पर निशाना, बोले विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है कि वो हेमंत सोरेन के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने आज झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के प्रस्ताव में अगर बात करें तो पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़ा है। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि फ्लोर टेस्ट के बाद आज शाम में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं सदन में बीजेपी विधायकों के हंगामे पर कहा कि मुझे दोबारा देखकर इनका आचरण दिख रहा है, इसकी मुझे चिंता नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है, इनके जवाब देने के लिए हम काफी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको चेहरा दिखा दिया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन ने निर्भीक होकर सरकार चलाई है, नहीं तो बीजेपी के लोग तो ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, ये लोग ऐसी संस्थाओं के संपर्क में हैं। तो पुनः मुझे यहां देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद मीडिया से बात करी। इस दौरान उन्होंने गठबंधन के नेताओं का आभार जताया, साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। हम लोगों ने जो प्रस्ताव सदन में रखा था, उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद अपनी कैबिनेट का भी विस्तार कर लिया है। राजभवन में विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, हालांकि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह अभी साफ नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया, उन्हें 45 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। जेल से बाहर आने के बाद सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया था। मसलन जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक मिलाकर 81 सदस्य विधानसभा में गठबंधन के पास कुल 45 विधायकों का समर्थन है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं
भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस कोटे के सबसे बड़े आदिवासी नेता रामेश्वर उरांव ने शपथ ली। वो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन दोनों सरकारों में वित्त मंत्री रहे हैं। झारखंड में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले पहले मंत्री भी हैं। हालांकि इससे पहले रघुवर दास सीएम रहते हुए 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के तहत चंपई सोरेन और डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सत्यानंद भोक्ता 5वीं बार मंत्री बने हैं। इससे पहले वो बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और वैद्यनाथ राम को भी एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले भी वो बीजेपी सरकार में झारखंड में के मंत्री रह चुके हैं। मैं वैद्यनाथ राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और जेएमएम के विधायक दीपक पिरुआ ने भी एक बार फिर झारखंड के मंत्री के रूप में शपथ ली है। चंपई सोरेन की कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सरकार की कमान संभाली है। उन्हें इस कैबिनेट में भी जगह दी गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने दीपक बिरुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड राज्य के मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता एक बार फिर झारखंड सरकार में मंत्री बने हैं। उन्होंने राजभवन में आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बन्ना गुप्ता हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन दोनों की कैबिनेट में मंत्री थे। 5वीं विधानसभा में उन्होंने 3री बार मंत्री पद की शपथ ली है। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मैं। कांग्रेस कोटे से पहली बार डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो पहली बार झारखंड के मंत्री बने हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। विधि द्वारा स्थापित मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण के निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय झारखंड के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर को भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इससे पहले भी वो झारखंड के मंत्री थे। आज राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक हफीजुल हसन अंसारी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इससे पहले भी वो झारखंड के मंत्री थे। आज राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। के साथ अहद करता हूं कि आईन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फर्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फर्ज सनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिना किसी खौफ या जानिबदारी या अदावत के आईन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ। मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर के हैसियत से मैं बिला वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स व इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे। पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी रही बेबी देवी भी तीसरी बार मंत्री बनी है। उन्हें सबसे पहले हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो चंपई सोरेन सरकार में भी मंत्री रहीं और अब एक बार फिर से बेबी देवी को मंत्री बनाया गया है। प्रति सच्ची सर मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण की निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग दुवे के बिना सभी के प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं करूंगी। मैगामा विधानसभा सीट की कांग्रेस दीपिका पांडे सिंह पहली बार मंत्री बनी है। दीपिका पांडे सिंह वर्ष 2019 के चुनाव में पहली बार मैगामा से विधायक बनी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में गोड्डा से उम्मीदवार भी बनाया गया था लेकिन बाद में उनके स्थान पर कांग्रेस ने प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हो गए हैं। उन्हें नए मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मोहम्मद अनवर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार दे दिया है। उनके कैबिनेट में कुल 12 मंत्री होंगे। इस मरतबा जो चौंकाने वाली खबरें जो सामने आई है उसमें ये है कि जेएमएम कोटा से मुख्यमंत्री के भाई है बसंत सोरेन को ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह पर लातेहार से विधायक वैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक मरतबा फिर हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अलबत्ता ये कयास लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अगर कांग्रेस कोटे की बात करें तो कांग्रेस कोटे से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह पर डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री पद का शपथ दिलाया जा रहा है, जबकि बादल पत्रलेख को ड्रॉप आउट कर उनकी जगह पर दीपिका सिंह पांडे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और राजद से सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद का शपथ लेंगे। बताते चलें कि झारखंड में 28 जुलाई को विगत 28 जुलाई को जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर हुए थे उसके बाद सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई थी और इख्तदार तब्दीली की हलचलें तेज़ हो गई थी। इसी निमित्त में 3 जुलाई को सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकों की लंबी बैठक चली और उस बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से इंडिया गठबंधन का विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। उसी दिन ये तय हो गया था कि नेतृत्व तब्दीली होगी, एक मरतबा फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में सत्ता की बागडोर आएगी और उन्होंने 4 तारीख को मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में विकास के कामों को तेज़ी से धरातल पर उतारना चाहती है और इसका लाभ राज्य की जनता को देना चाहती है। इसीलिए बगैर वक्त गंवाए जहां एक ही दिन फ्लोर टेस्ट किया गया वहीं उसी दिन मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दिया गया है। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। और झारखंड में हेमंत सोरेन के विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने हेमंत सोरेन को सदन में एक बार मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि सरकार पूरी कैबिनेट के साथ बैठक सदन में बैठती। हम लोगों ने इतने हल्ला हंगामा किया कि उनको बनाना पड़ा। वो कोई अपने मन से तो नहीं बनाया, वो अपने चीज़ों को ठीक रखने के लिए अगर नहीं बनाते तो उसी समय उनको मालूम है कि भाई कितना अंदर विरोध था कि उनको परेशानी होती। वो सिर्फ और फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। मत भाई, हम लोगों ने पहले कहा था कि नायडू पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर सरकार ढूंढनी चाहिए हटाने के लिए फ्लोर टेस्ट किया गया है। और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो आप भाग गए। यही बीजेपी का असली चेहरा है। हमें लगता है कि 2024 में भी हम लोग इसका यही फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के पास हिम्मत नहीं है कि वो हेमंत सोरेन के सामने खड़े हो चुके। साथ ही मॉब लिंचिंग को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या पता है कि कौन जो परंपरा रही है वो महामहिम राज्यपाल निमंत्रण भेजते हैं और वो निमंत्रण जब मिलता है तभी कोई कुछ कह पाता है कि कौन मंत्री बनेगा। चूंकि ये सब्जेक्ट जो है महामहिम राज्यपाल का है, जो हम लोग नाम भेजते हैं उस पर वो फैसला करते हैं और उसके बाद सारी सीधी बात आप जानते हैं कि। और झारखंड सरकार से अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसा अंजुमन इस्लामिया महेश घाटी बहरवा के 3 खाली पदों के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 1 हाफिज, 1 मैट्रिक प्रशिक्षित और 1 इंटर प्रशिक्षित पदों के लिए परीक्षा हुई।
परीक्षा केंद्र राजस्थान इंटर कॉलेज विद्यालय साहिबगंज को बनाया गया था, जिसमें हाफिज पद के लिए 10, इंटर प्रशिक्षित पद के लिए 10, मैट्रिक प्रशिक्षित पद के लिए 5 आवेदकों ने फॉर्म भरा, लेकिन परीक्षा केंद्र पर हाफिज पद के लिए 10 में से 9, इंटर प्रशिक्षित पद के लिए 10 में से 8, मैट्रिक प्रशिक्षित पद के लिए 5 में से 4 उपस्थित हुए। परीक्षा नियंत्रण प्रभारी ममता मुर्मू ने बताया कि जैक के चिट्ठी के आदेश अनुसार राजस्थान इंटर विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें लिखित और मौखिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। वहीं उम्मीदवारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परीक्षा संतोषजनक रही है, लेकिन हम लोगों को डर है कि कहीं पहले की तरह इस बार भी रुपये का खेल न हो जाए, जिससे कि योग्य उम्मीदवारों का चयन न होकर पैसे देने वाले उम्मीदवारों का चयन हो जाए। इसके लिए उन्होंने जिले के संबंधित पदाधिकारी और जैक को अपनी निगरानी में निष्पक्ष रूप से चयन करने की बात कही है। वहीं मदरसा अंजुमन इस्लामिया के प्रधान मौलवी अब्दुल कबीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो उसके योग्य होंगे उनका ही चयन कर बहाल किया जाएगा, लिहाजा रिश्वतखोरी करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग के जानकारी की माने तो जैक नियमावली के मुताबिक बहाली करते समय जैक शिक्षा प्रतिनिधि, 7 जिला प्रशासन के जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थानीय विधायक प्रतिनिधि, 7 अनुमंडल पदाधिकारी या उसके कोई प्रतिनिधि का चयन के समय होना अनिवार्य है, लेकिन इस बहाली यानी कि चयन प्रक्रिया में ना ही जिला शिक्षा अधिकारी, ना ही विधायक प्रतिनिधि और ना ही अनुमंडल पदाधिकारी के कोई प्रतिनिधि नजर आए। परीक्षार्थी सूत्रों की माने तो बहाली चयन प्रक्रिया के समय एक बदनामी जमाना झोलाछाप दलाल परीक्षा केंद्र में घूमते नजर आए, जिससे परीक्षार्थी भयभीत भी दिखाई दिए। किस चीज़ की इंटरव्यू चल रही थी? पोस्ट के लिए। अच्छा सर, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए? 10 में एक एब्सेंट था। प्रबंधन समिति सेक्रेटरी लेटर नंबर 7, डेट 20 तारीख था, 20/6/2024। आपका नाम क्या है? एम डी अमीर इस्लाम जी। मैं मदरसा हुसैन जी होना के सदर मदरिस जी। प्रबंधन समिति लेटर प्रोफेसर हम लोग यहाँ। अच्छा सर, इंटरव्यू बोर्ड के हिस्से से हम लोग पहुँचे। अच्छा अच्छा सर, जैक से चिट्ठी मिली होगी ना? जैक से नहीं, ये प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति से आप लोग निकली थी। माहौल तो बड़ा साफ़ सुथरा और शांतिपूर्वक हुआ। अब बच्चे में जो है कोई किसी में टैलेंट ज़्यादा है, किसी में टैलेंट कम है, इस तरह से उन लोगों के नंबर में भी थोड़ा फर्क है। सब तो बराबर नहीं हो सकते हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, इस तरह से। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में? तीन आदमी। कौन लोग हैं? अच्छा, ये जैसे जैक के द्वारा हम लोग को जो चिट्ठी मिली है उस हिसाब से मोहम्मद हिफाजुर रहमान है, मोहम्मद नईमुद्दीन और मोहम्मद मुदस्सर हुसैन है। हम मुनसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुनसिफ टीवी के साथ।